वीडियो में हम बात करेंगे पोरोसिटी और पोरोस होल के बारे में, ब्लो होल के बारे में आपको बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेल्डिंग डिफेक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट यानी कि वेल्डिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं जॉब सरफेस पे, वेल्डिंग पे अगर हमको इरेगुलरिटीज, डिसकंटिन्यूटीज, इम्परफेक्शन दिखाई देती है विजुअली, तो ये इसको कहते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट। सिंपल सा परिभाषा है। उसके बाद से हम चलिए हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट के क्या कारण हो सकते हैं ताकि वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा। तो अगर ये एसमी सेक्शन के अकॉर्डिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इसमें उनके द्वारा 41% पुअर प्रोसेस एंड कंडीशन की वजह से, दूसरा 32% ऑपरेटर के एरर की वजह से, 12% रॉन्ग टेक्निक की वजह से एंड 10% इनकरेक्ट कंज्यूमेबल्स, यानी कि जो इनकरेक्ट कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड या फिलर उसके यूज करने से, और लास्ट वन बैड वेल्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जो कंडीशन है, इतना सारा रॉन्ग टेक्निक की वजह से वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और देखते हैं पोरोसिटी और ब्लो होल और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड पोरोसिटी और क्लस्टर पोरोसिटी, रैंडम राउंडेड पोरोसिटी भी होता है, मैं आपको एसमी सेक्शन 8 में बताऊँगा आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं पोरोसिटी, एक ग्रुप होता है बबल्स का। वही ब्लो होल की बात करें तो वो थोड़ा बड़ा रहता है होल में और वो हिडन रहता है, नहीं छिपा रहता है, और इसका मेन वजह होता है गैस का ट्रैप्ड होने की वजह से। वेल्डिंग के दौरान गैस का इंटरप्टमेंट की वजह से पोरोसिटी का मेन वजह होता है। इसकी वजह तो और भी हो सकते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन ये मुख्यतः वजह है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पे पोरोसिटी और ब्लो होल के कॉजेज एंड रिमेडीज के बारे में। तो अगर कॉजेज के और रिमेडीज की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलेक्टिंग इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड का जो हम यूज कर रहे हैं वो इनकरेक्ट है, तो इसके लिए आपको करेक्ट इलेक्ट्रोड और फिलर मेटल का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा इसका कारण हो सकता है कॉजेज, अप्लाइंग टू लार्ज गैस फ्लो, गैस का फ्लो जो रेट है वो ज़्यादा है, इसके लिए आपको गैस फ्लो रेट को चेक करना पड़ेगा और उसकी सेटिंग को फिक्स करना पड़ेगा ताकि जितना गैस चाहिए जितना स्पीड में उतना ही गैस फ्लो करे। नेक्स्ट वन, यूजिंग ए लार्ज आर्क, इसका कॉज है आर्क जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा, तो इसके वजह से भी यहाँ पे पोरोसिटी का चांस रहता है। तो आर्क लेंथ ये है, आर्क लेंथ अगर ज़्यादा रहता है तो आर्क लेंथ को आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको मीडियम में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम आर्क लेंथ के बाद से हम आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मॉइस्चर इन द प्रोसेस। अगर प्रोसेस में यानी कि जॉब सरफेस पर मॉइस्चर है तो उस कंडीशन में भी पोरोसिटी आएगी, तो इसके लिए आपको क्लीन करना पड़ेगा जॉब स्टार्ट करने के पहले, वेल्डिंग स्टार्ट करने के पहले प्रॉपर आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो कॉज है इसका, अनसुटेबल गैस शील्ड है, यानी कि अगर वेल्डर वेल्डिंग स्पीड को कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है वेल्डिंग का जो गैस का फ्लो रेट है वो उतना पर ही रहेगा, तो इसमें भी पोरोसिटी आएगा। आगे हम देखते हैं कॉजेज, अप्लाइंग टू लार्ज गैस फ्लो रेट है बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी पोरोसिटी आएगा, तो इसके लिए आपको गैस फ्लो मीटर को चेक करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे है कॉज डर्टी जॉब सरफेस स्केल रस्ट वायल, अगर जॉब सरफेस पे स्केल रस्ट है, वायल है, क्रीस है एटीसी, तो उस कंडीशन में पोरोसिटी आएगी, तो जॉब स्टार्ट करने के पहले इसको प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पोरोसिटी और उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके रेमेडीज़ के बारे में आपको बताया इस वीडियो में। तो ये पोरोसिटी का पीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पोरोसिटी आ रहा है तो ये ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, होल जैसा दिखेगा, ये तो प्लेट का है, तो मैंने आपको बताया था इसमें पोरोसिटी और उसके रीज़न क्या होता है। मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको एसमी सेक्शन 8 में मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा, तो इसे एसमी सेक्शन 8 में आपको दिखाने वाला हूँ मैं क्या यहाँ पे आपको कि पोरोसिटी जो है कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं एसमी सेक्शन 8 पे। ठीक है, तो एसमी सेक्शन 8 पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पोरोसिटी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, पहला है रैंडम राउंडेड इंडिकेशन, ठीक है, दूसरा है आइसोलेटेड इंडिकेशन, तीसरा है क्लस्टर पोरोसिटी। तो पोरोसिटी के टाइप है, क्लस्टर पोरोसिटी होता है, ठीक है, आइसोलेटेड पोरोसिटी इसका मतलब है अगर पोरोसिटी है बहुत सारा लेकिन एक पोरोसिटी है सिर्फ सिंगल,
ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, तो उस कंडीशन में उसे कहेंगे आइसोलेटेड इंडिकेशन, मतलब पोरोसिटी ही है ये भी, लेकिन आइसोलेटेड पोरोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर पोरोसिटी में क्या है कि यहाँ पे जो ये है इसमें बहुत सारा ये यहाँ पे डॉट 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 लाइनिंग है। ठीक है, ये आपको आरटी फिल्म पे ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर आ रहा है पोरोसिटी, जिसे क्लस्टर पोरोसिटी कहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये है रैंडम राउंडेड इंडिकेशन, यहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला वाला जो है ये नंबर रैंडम राउंडेड इंडिकेशन थे, यहाँ पे जिग जैग पैथ में होगा, रैंडम होगा पोरोसिटी। तो इस प्रकार के पोरोसिटी को कहेंगे रैंडम राउंडेड इंडिकेशन। बस ये देखने के लिए पोरोसिटी, ये पूरा का पूरा पोरोसिटी है, बट इसको अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में अगर बात करें तो उसको हम अलग से उसका कैलकुलेशन करते हैं कि वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए इसको अलग अलग नाम दिया गया है, टाइप दिया गया है, लेकिन एक पोरोसिटी है। ठीक है, तो पहला हो गया रैंडम राउंडेड इंडिकेशन, वो इंडिकेशन के लिए है, और आइसोलेटेड इंडिकेशन, और लास्ट वन क्लस्टर पोरोसिटी। ये सब पोरोसिटी के ही प्रकार है, बट इसमें बस इंडिकेशन के लिए। तो इसमें सेक्शन 8 में इसको दिखाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था वेल्डिंग पोरोसिटी के बारे में, डिफेक्ट पोरोसिटी के बारे में। तो इस वीडियो में